बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर इसका मौजू दारु तर्जमा के साथ हाजिर खिदमत। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने इसको बुनियादी तौर पर चार हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले इसके पस मंज़र, दारु तर्जमा के क़याम के पस मंज़र पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा है कि दारु तर्जमा के बारे में जो बुनियादी मालूमात हैं वो आपको फराहम की जाएंगी। तीसरी मौजू है दारु तर्जमा उस्मानिया का जो ढांचा था, किस तरह से बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि इसके बनाने में लोग कितनी दूरस नज़र रखते थे और उनका विजन क्या था। और आखिर में नुमाया काम दारु तर्जमा का, जो चंद एक नुमाया काम सबसे अहम है, उनका तज़किरा होगा, जिसमें तराजम है और उसूल वज़ इस्तलाहात का जो उन्होंने एक दस्तावेज़ तैयार की थी उसके अहम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर एक और चीज़ जो चूँकि वहाँ पे गुफ्तगू और खुले दिलो दिमाग के साथ आपस में बहसों बहसा बहुत ज़्यादा होता, तो वज़ इस्तलाहात के दो मकतबाए फ़िक्र हमें नज़र आते हैं दारु तर्जमा उस्मानिया के काम के दौरान। तो पस मंज़र में अगर हम देखें, इससे पहले हम अच्छी तरह से जानते हैं और गुफ्तगू भी कर चुके हुए हैं कि दिल्ली कॉलेज का जो दिल्ली वर्नैक्युलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का काम 19वीं सदी में जो शुरू हुआ था वो, और फिर सर सैद की साइंटिफिक सोसाइटी ने इस काम का बीड़ा उठाया, और उसी से मुंसलिक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और दीगर जो मुख्तलिफ इलाकाई और कौमी अंजमनें और इनफरादी काबिशें थीं उनके असरात हिंदुस्तान में मौजूद थे पहले से। इन्हीं असरात के नतीजे में बहुत बहुत पहले, यानी दारु तर्जमा के क़याम से बहुत पहले 1885 में सर सलार जंग ने निज़ाम यूनिवर्सिटी का मंसूबा पेश किया, जिस पर बवजू अमल ना हो सका उस वक्त। तो इसका मतलब यह है कि ये सोच पहले से जो निज़ाम हैदराबाद दक्कन की जो प्रिंसली स्टेट थी उसमें ये सोच पहले से आ चुकी हुई थी और लोग इसके बारे में संजीदगी से गौर कर रहे थे। ताहम 1911 में मीर उस्मान ख़ान को बतौर निज़ाम हैदराबाद जब उनकी तख्त नशीनी हुई, तो उसी साल में ही हैदराबाद में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, और ज़ाहिर है इसकी इंस्पिरेशन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ली गई थी, क्योंकि मुसलमान मुख्तलिफ इलाकों में अपनी इस तरह के एजुकेशनल अंजमनें बना रहे थे। तो हैदराबाद में भी 1911 में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस या अंजुमन आप कहें, जिसका क़याम अमल में आया। और इस अंजुमन में ज़्यादातर तो बहस मुबाहसे हो रहे थे कि एक बड़ा तलीमी इदारे की ज़रूरत है, और इसने बहुत बड़ा अपना किरदार अदा किया आगे चलकर। 1918 में सर अकबर हैदरी, जो कि इस जामे उस्मानिया के असल मुहर्रिक या बाज़ लोगों की बाज़ मुहक्किकीन की राय में मौलवी अब्दुल हक असल में उनके पीछे थे, उन्होंने निज़ाम हैदराबाद मीर उस्मान ख़ान को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम की एक अर्ज़दाश्त पेश की। इस अर्ज़दाश्त के दो नुकात बड़े अहम थे कि जो इस वक्त उस ज़माने में जो तरीक़ा तालीम मरवज था उसमें दो रंगी इस तरह की थी जिसके बड़े ख़तरनाक नतायज निकल रहे थे, उसकी निशानदेही की गई, और फिर तजवीज़ किया गया कि दुरुस्त उसूल तालीम और कौमी और मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक एक जदीद यूनिवर्सिटी कायम की जाए। यानी हम इस अर्ज़दाश्त को अगर कोई बहुत अहम नुकात में समेटना चाहें तो ये दो नुकात उसका अहम हिस्सा थे। तो जामे उस्मानिया के जो अहम मकासद इसी अर्ज़दाश्त में जो जिनका बयान किया गया, उनमें सबसे अहम मकासद ये थे कि कदीम मशरक़ी और जदीद मगरबी उलूम का इम्तिज़ाज पैदा किया जाए निसाब में। दूसरा सबसे अहम मकसद ये है कि तलबा की जिस्मानी, दिमागी और रूहानी तालीम के लिए कदीम व जदीद तमाम तरीक़ों से भरपूर अंदाज में इस्तेफादा किया जाए, और तालीम के साथ साथ आला दर्जे की तहकीक का भी एक मादा पैदा किया जाए इन तलबा में, यानी ये मुस्तकबिल के मुहक्किकीन भी बन सकें। ज़रिया तालीम बुनियादी तौर पर उर्दू हो, लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेज़ी लाजमी मज़मून के तौर पर बतौर ज़बान हर एक मरहले में सिखाई जाए, इब्तदाई मरहले से लेकर आगे यूनिवर्सिटी के मरहले तक। तो ये इन बुनियादी मकासद के साथ
28 अगस्त 1919 में उस्मानी यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हुआ और वहाँ पे तदरीस का सिलसिला शुरू हो गया। वैसे अमलन 29 अगस्त को हुआ, लेकिन 28 अगस्त को यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हुआ था। निसाबी किताबों की फराहमी और तराजम इस्तलाहात पर गौर व खोज, ज़ाहिर है इसका एक बुनियादी अंसर था, इसलिए कि जैसे हम पीछे जान चुके हैं ज़रिए तालीम चूँकि उर्दू रखना मकसूद था तो उसके लिए निसाबी किताबों की फराहमी इंतहाई ज़रूरी था और इस मकसद के लिए तर्जमा एक बुनियादी वसीला था और इस्तलाहात का तयन करना बहुत ज़रूरी, उस पर गौर व खोज में इजाफा हुआ। इस मकसद के लिए जो दिल्ली ट्रांसलेशन सोसाइटी के काम और दीगर इनफरादी कोशिशें को भी मद्देनज़र रखा गया सारे काम को करने के लिए। अभी तक मैंने पस मंज़र के हवाले से जो गुफ्तगू की है वो है जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से जो पस मंज़र, वो दोनों चीज़ें लाजमी मुलज़ूम हैं, यानी इस उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम और उसके मकासद जो कि तालीम और तहक़ीक की पर मरकूज़ थे, इसी तरह से एक दारु तर्जमा भी उसका लाजमी हिस्सा था। लेकिन दारु तर्जमा की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जामे उस्मानिया जो है उसका क़याम तो 1919 में अमल में आया, लेकिन जो दारु तर्जमा है या तर्जमा और तालीफ के लिए एक शोबे का क़याम 1917 में इससे पहले आ चुका हुआ था और उसी के जो मदारुल महाम थे वो मौलवी अब्दुल हक पहले नाजिम मुकर्रर किए गए इस काम के लिए। 1950 में जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम उर्दू की बजाय अंग्रेज़ी कर दिया गया, हिंदुस्तान की हुकूमत जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान एक अलग मुल्क के तौर पर वजूद पज़ीर हुआ, तो इस तरह की जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसमें निज़ाम की जो हुकूमत थी उसको ज़म कर लिया गया हिंदुस्तान में, तो उसके नतीजे में 1950 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जो ज़रिया तालीम है उसको अंग्रेज़ी कर दिया गया। तो साथ ही ज़ाहिर है कि फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी का और दारुतर्जमा उस्मानिया की जो अलग शनाख्त है वो भी ख़त्म हो गई। 31 साल का अरसा रहा इस काम के लिए जिसके दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी और दारुतर्जमा उस्मानिया ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी और बेशुमार इसमें नुमाया काम और कारहाए नुमाया सर अंजाम दिए। इस 31 साल के मुख्तसर अरसे में मुझे यकीनन कहना चाहिए 465 किताबों का तर्जमा किया गया, जो एक बहुत बड़ा कारनामा था। दारु तर्जमा में मुतर्जमीन का एक मुस्तकिल स्टाफ रखा गया, यानी इसको इस पर नहीं छोड़ा गया कि जी आप किसी किताब का तर्जमा करवाना चाह रहे हैं तो जो अच्छा मुतर्जम है आप उससे सिर्फ काम करवा लें, बल्कि बाकायदा मुस्तकिल मुतर्जमीन को वहाँ पर तैनात किया गया था। मुतर्जिम जिससे किसी काम किसी किताब का तर्जमा कराना मकसूद होता था उसके लिए दो बुनियादी शराइत रखी गई कि वो जिस मजमून से मुतल्लिका किताब है उसका वो माहिर हो और साथ साथ उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों का माहिर लाजमी हो, और ऐसे ही लोगों को ये काम तफवीज़ किया गया। इसलिए आप देखें कि जिन लोगों ने दारु तर्जमा उस्मानिया में काम किया बड़े बड़े नाम हैं, प्रोफेसर हारून खान शेरवानी, डॉक्टर यूसुफ हसैन, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अंसारी और अब्दुल बारी नदवी, ये बहुत बड़े दानिश्वर और यानी महक्कीन थे अपने ज़माने के अतबार से, जिन्होंने बहुत इल्म के मैदान में दानिश के मैदान में बहुत खिदमात सर अंजाम दी। तर्जमा शुदा जो किताब होती थी जब वो छपती थी तो उसमें ये तीन चीज़ें लाजमी लिखवाई जाती थी सारे वर्क पर, एक मुसन्निफ़ का नाम, उसकी काबिलियत, ओहदा और डिग्री, दूसरा मुतर्जिम का नाम, उसकी डिग्री और उसका ओहदा, और तीसरा नज़रसानी करने वाले का नाम, डिग्री और ओहदा, जिससे पता चलता कि इस काम के करने वाले कौन से लोग हैं और किसने क्या जिम्मेदारी निभाई है और इसमें किसका क्या हिस्सा है, यानी असल मुसन्निफ़ की अपने मैदान में क्या वक़्त है, क्या उसका मकाम है, और मुतर्जिम की अपनी क्या हैसियत है और उसका क्या मकाम है, और नज़रसानी करने वाले, इससे तो तीनों ख़ासतौर पर जो दो मराहिल हैं तर्जमा और नज़रसानी उसका पता चलता, और साथ ही पता चलता कि इसको सरंजाम देने वाले लोगों का अपना इल्म के मैदान में और उस मज़मून में उनका अपना मकाम क्या है। दारु तर्जमा जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया 1917 में, तो दो साल के अरसे में 1919 तक इब्तदाई और सानवी जमातों की कुतुब के तराजम पर तवज्जो दी गई,
लेकिन उस्मानी यूनिवर्सिटी के क़याम के बाद फिर इंटरमीडिएट बीए बीएससी बीकॉम एमकॉम और एमएससी की किताब कुतुब का तर्जमा भी इसमें किया गया, क्योंकि तालीमी और तदरीसी ज़रूरियात अब इन दर्जात तक जा पहुँची थी। अब आइए इसके तरफ, ये भी एक बड़ी यानी हमें समझने में मदद देगी कि इसका ढांचा जो बनाया गया था उसमें किस हद तक आप ये देखेंगे लोगों ने कितनी दूर तक इसको सोचा था। तो इसमें ढांचे में 7 किस्म की कमेटियों का क्याम अमल में लाया गया था। सबसे ऊपर अरकान दारुल तर्जुमा जो बुनियादी तौर पर यूँ समझ लें कि उसकी इंतज़ामी और इल्मी जो सरगर्मियाँ हैं उनको सुपरवाइज करते थे। इसमें बड़े बड़े नाम थे जैसे मौलवी अब्दुल हक थे, काजी मोहम्मद हुसैन, मौलवी जफर अली खान, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, ये बहुत बड़े नाम थे अपने वक्त के हिसाब से। दूसरी जो कमेटी बनाई गई वो थी मजलिस, अरकान मजलिस वज़ इस्तलाहात। हम सबको पता है कि जब भी किसी एक ज़बान से दूसरी ज़बान में इल्मी और इवन अदबी और फ़न्नी किस्म की किताबों का तर्जमा किया जाता तो उसमें इस्तलाहात बहुत अहम हैसियत रखती हैं, बिलखसूस जबकि तर्जमा शुदा ज़ुबान में इस्तलाहात का वजूद दुनिया सिरे से है ही नहीं। इसलिए उन्होंने इसके लिए एक अलग से मजलिस बनाई। इस मजलिस में भी बड़े बड़े नाम थे, बड़े तजर्बाकार लोग थे, मौलवी अब्दुल हक खुद थे जो असल में तो हर जगह पे उनका एक दखल हमें नज़र आता है, जामिया उस्मानिया में भी और दारुल तर्जुमा में भी। मिर्ज़ा मेहदी ख़ान थे, ये भी बड़े मंझे हुए दानिश्वर थे, मुतरजम थे। मौलवी अली हैदर तबातबाई, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा वज़ इस्तलाहात में, और साथ साथ वहीदुद्दीन सलीम। ये दो नाम यूँ समझ सकते हैं कि ये अपने काम में ताक थे और दोनों ने वज़ इस्तलाहात में अपने अफकार से दारुल तर्जुमा उस्मानिया को अच्छी तरह से यूँ समझे कि बहुत बड़ा इल्मी ज़खीरा फराहम किया। तीसरी जो थी वो मजलिस अहले इल्म व फ़न थे। वज़ इस्तलाहात में मशरे के लिए एक अलग से मजलिस बनाई गई जिसमें खान मोहम्मद फजल खान, प्रोफेसर अब्दुलरहमान, मिर्ज़ा हादी रसुआ, सैयद सलमान नदवी और सरराज मसूद यानी सर सैयद अहमद खान के बेटे थे, इनको इस मजलिस में रखा गया जिनसे मशावरत की जाती थी वज़ इस्तलाहात के सिलसिले में। आप ज़रा देखें इन तीन मजालिस में कि काम को किस संजीदगी के साथ लिया जा रहा था, और चूँकि इस सोचा यह गया था कि इस काम ने आगे काफ़ी सालों तक चलते रहना है, इसलिए उसकी जो ढांचा है वो उसको इस तरह से तरतीब दिया गया कि ये मराहिल जो है ना वो सारे खुश उसलूबी के साथ तय पाए जाते रहे। चौथी जो मजलिस थी वो इंतखाब निसाब थी। ये वो लोग थे जो उलूम व फ़नून की किताबों का इंतखाब करके मुतरजमीन के हवाले करते थे। एक पांचवी मजलिस थी मजलिस नज़र सानी, जन जो तराजम मुकम्मल हो जाते थे उसके लिए एक मजलिस कायम की गई जो इन तराजम पर नज़र सानी करते थे। फिर एक छठी थी मजहबी नुक्ता नज़र से तराजम पर गौर करने वाली कमेटी जिसमें बड़े बड़े उलमा को शामिल किया गया, और फिर अदबी नुक्ता नज़र से तराजम पर गौर करने वाली कमेटी। तो इन 7 मुख्तलिफ किस्म की कमेटियों और मजालिस को जब हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि जिन लोगों ने इसका खाका बनाया था दारुल तर्जुमा उस्मानिया का काम के हवाले से, उन्होंने इसके कमोबेश तमाम पहलुओं को अपने मद्देनज़र रखा और ढांचा इस तरह का बनाया कि एक तो काम अमल पज़ीर हो और दूसरा काम में मेयार को मद्देनज़र रखा जाए। नुमाया काम जो दारुल तर्जुमा उस्मानिया के ज़ेर असर हुए उनमें सबसे पहले तो तराजम है, पहले भी जिक्र हो चुका है कि 31 साल के मुख्तसर अरसे में 465 कुतुब का तर्जमा किया गया। दूसरा सबसे बड़ा कारनामा ये था कि तमाम तालीमी मराहिल की कुतुब का तर्जमा किया गया, जैसे कि इब्तदाई दर्जे से लेकर जो यूनिवर्सिटी का दर्जा था, जो एमएससी और एमकॉम वगैरह के दर्जा थे, उन सब के लिए किताबों की निसाबी किताबों की तैयारी और फरहमी का काम जो है ना बड़े शद्दोमद के साथ किया जाता रहा। जिन मजामीन में ये कुतुब तर्जमा हुई उनमें कानून, सोशियोलॉजी, तिब्ब यूनानी, जो जदीद मेडिसिन है वो, इंजीनियरिंग की तमाम बड़ी जो 3 अकसाम थी उनमें, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह है, रियाजी, अलजबरा, ज्योमेट्री, इन सब की यानी जो
प्योर साइंसेस हैं उनमें और जो सोशल साइंसेस के आम हिस्से थे उन सब में मसावी तौर पर जो है ना वो किताबों का तर्जुमा किया गया। अब आइए नुमाया काम में जो उसूल वज़ इस्तलाहात, इसके चूँकि बहुत एक बुनियादी हैसियत थी और इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत भी हुई दारुल तर्जुमा उस्मानिया में, तो इस पर ज़रा थोड़ी सी निस्बतन ज़्यादा तफसील के साथ गुफ्तगू कर लेते हैं। दिल्ली ट्रांसलेशन सोसाइटी की वज़ इस्तलाहात, जो पीछे हम इनका जिक्र भी कर चुके हुए हैं, उसको ज़ाहिर है सामने रखा गया लाजमी तौर पर, और मजलिस वज़ इस्तलाहात का एक मुस्तकिल क़याम था, ये भी एक बहुत बड़ा अहम कदम था इस सिलसिले में। सैयद हसन बिलग्रामी, जिनका वज़ इस्तलाहात में अपना एक नुक्ता नज़र भी था और उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम भी किया हुआ था, तो उनके ज़िम्मे काम लगा कि वज़ इस्तलाहात के तहत उसूलों का वो तयन करके एक दस्तावेज़ तैयार करे। तो जो दस्तावेज़ उन्होंने तैयार की दारुल तर्जुमा उस्मानिया के लिए, उसके अहम नुकात ये थे। नंबर एक, मौजू से लफ्ज़न मुनासबत ना रखने वाली इस्तलाहात ना बनाई जाएँ, यानी ऐसे अल्फाज इस्तलाहात के लिए इस्तेमाल ना किए जाएँ जो लफ्जी एतबार से उस इस्तलाह के करीब नहीं है। कदीम अरबी इस्तलाहात, चूँकि अरब दुनिया में आपको पता है कि साइंस में जितनी भी तरक्की हुई और अपने ज़माने में उनके यहाँ ये इस्तलाहात मौजूद थी, तो कदीम अरबी इस्तलाहात से इस्तेफादा किया जाए, उनको तर्क ना किया जाए। उनमें से मिसाल के तौर पर हैयत, इंजीनियरिंग के लिए हैयत जो है ना वो हंदसा है, हिसाब, जबर मुकाबला, ये सारी मुख्तलिफ उलूम की जो इस्तलाहात जो पहले से ही अरबी इस्तलाहात और पहले से ही मुरव्वज हैं, उनको तर्क न किया जाए बल्कि उनको उसी तरह से अपना लिया जाए। नंबर तीन, यह कि जो तारीब शुदा या अरबी ज़ुबान में दूसरी ज़ुबानों के जो अल्फाज हैं और उनको मुअर्रब कर लिया गया है, यानी अरबी में डाल लिया गया है या नहीं डाला गया, दूसरी ज़ुबानों से लिए गए हैं, दखील अल्फाज हैं, तो उनको फिर आप जो जिस असल ज़ुबान से वो अल्फाज लेकर के अरबी में डाले गए हैं या डाले बगैर अपना लिए गए हैं, तो असल की तरफ रुजू ना किया जाए, बल्कि जिस हालत में अरबी ज़ुबान में वो मुअर्रब हुआ हुआ है या वो इस्तेमाल होते हैं, उसी हालत में उनको उर्दू में भी इस्तेमाल कर लिया जाए बतौर इस्तलाहात। वज़ इस्तलाहात में जिन ज़ुबानों को मद्देनज़र करा जाए, रखा जाए, उनमें हिंदी, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी हैं, लेकिन इसमें जो उनकी मुरवजा लुगात से मदद ली जाए, जो गैर मानूस और जदीद लुगात उस वक़्त लिखी जा रही थी और शाया हो रही थी, उनसे परहेज़ किया जाए। सकील अल्फाज से परहेज़ किया जाए, रकीक तराकीब से परहेज़ किया जाए, इसी तरह मुगलक और गैर मानूस तवील इजाफात से परहेज़ किया जाए। फ़र्ज़ करें कि इजाफात का एक तीन अल्फाज, चार अल्फाज आ गए, तो उनसे बच करके चला जाए, क्योंकि अगर जितनी लंबी तरकीब इजाफत पर मबनी होगी उतनी ही ज़्यादा वो सकील होगी, मुखलक होगी और गैर मानूस होगी उर्दू के मिजाज के अतबार से। एक और जो उसूल वज़ा किया गया, इसकी इसमें इसम उर्दू ज़ुबान में ये एक आम मिजाज है कि इसम से फेल बना लिया जाए, तो इसको इस्तिलाह साजी में इस तरीक़ाए तसरफ को या इस तरीक़ाए इस ज़ुबान के इस तरीके को इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। नंबर सात ये था कि आसानी के लिए ज़रूरी तसव्वुरात, मसलन जैसा कि कोई तब्दीली करनी पड़ती है थोड़ी बहुत वो, और इजाफात पीछे भी जिक्र हुआ है, उसको ज़रा कम कर लिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, इससे भी ज़रूर मदद ली जाए। वज़ इस्तलाहात में अरबी और ठेठ हिंदी अल्फाज की तराकीब से हत्तल इम्कान परहेज़ किया जाए। ये उसूल के तौर पर तो मौजूद था, लेकिन अमलन नज़र आता है कि बाज़ इस्तलाहात में, बिलखसूस जो मॉडर्न मेडिसिन है उनकी इस्तलाहात में, इस उसूल पर शायद बहुत ज़्यादा अमल नहीं हो सका। दो तीन ज़्यादा अल्फाज मिलाकर एक लफ्ज़ बनाना मकसूद हो, और ये ज़रूरत सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में इसकी ज़रूरत पेश आना थी, तो उस वक़्त ये तजवीज़ किया गया कि हर लफ्ज़ मुफरद में दो या एक हर्फ हज़्फ करके मुरक्कब इस्तलाह में इख्तसार पैदा कर लिया जाए, क्योंकि बाज़ उलूम ऐसे हैं जिनमें इस्तिलाह अज़ खुद असल ज़ुबान में भी काफ़ी तवील है या काफ़ी उसमें एक पेचीदगी पाई जाती है, तो उसको मुंतकिल करते हुए आसानी की खातिर कोई एक हर्फ अगर दो हरूफ उसमें से हज़फ करके और मिला करके कोई तरकीब बनाई जा सकती है,
तो इस इख्तसार से काम लिया जाए। नंबर आखिरी दसवां जो है उसमें यह है कि सबसे बड़ा मसला जो केमिस्ट्री में था, क्योंकि केमिस्ट्री में जो मुरक्कब मादों के नाम मुस्तमल होते हैं जिनके लिए अलामात मुकर्रर करना ज़रूरी है, तो यूरोपियन ज़ुबानों में तो ये मसला इतना अहम नहीं है, इसलिए कि जो हरूफ हैं, हरूफ तहजी हैं, उनको अलहदा अलहदा लिख लिया जाता है, तो इसलिए उन ज़ुबानों में ये दिक्कत पेश नहीं आती, तो उर्दू में ये दिक्कत पेश आती है। तो इसका हल ये निकाला गया या तजवीज़ किया गया कि उर्दू में मुरक्कब मादों के नामों के लिए हरूफ अलग अलग करके लिखे जाएँ, क्योंकि आगे चल कर उनकी मकदार के इजहार के लिए हिंद से भी लगाने की ज़रूरत पेश आती है, तो इस एतबार से उनको इकट्ठा ना लिखा जाए बल्कि एक हर्फ को अलग लिखा जाए, क्योंकि जो ही आप आगे चलते हैं इन कीमियाई अनासर के अंदर जो पाए जाने वाले आप कह सकते हैं कि जो रेशोज़ हैं, जो उनकी मकदार है, उसके तयन के लिए आपको इनसे भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो इसलिए अलग अलग करके लिखा जाएगा, तो उनके साथ ही उनके हिंसे भी उनकी मकदार की निशानदेही के लिए उनके साथ ही लिखे जा सकते हैं, जैसा कि अंग्रेज़ी या दीगर यूरोपीय ज़ुबानों में किया जाता है। एक लफ्ज़ के साथ साथ लाह के लगा कर ज़्यादा इस्तलाहात बना ली जाए, और इसकी एक मिसाल यहाँ पर बड़ी दिलचस्प है कि लफ्ज़ बर्क है, तो दारुतजमा उस्मानिया ने बर्क के लफ्ज़ से 1300 से ज़्यादा तरक्की और इस्तलाहात बनाई गई। ये एक बड़ा दिलचस्प तरीका था जो वहाँ पर अपनाया गया, मसलन बर्क की मकनातीस जो इलेक्ट्रिक मैगनीटिक का तर्जमा किया गया है उसके लिए इस्तलाह बनाई गई, बरकीरा बर्क से ही बरकीरा जो इलेक्ट्रोड के लिए एक इस्तलाह बनाई गई। ये जो तरीका था ये बड़ा इस लिहाज से मुफीद साबित हुआ कि जब एक बुनियादी लफ्ज़ हाथ में आ गया है जो मुस्तमल भी है पहले से ज़्यादा अच्छा है, तो उसके साथ आप आगे पीछे कोई सबके लाके लगा करके उसकी मज़ीद जो इस्तलाहात हैं, मज़ीद उसकी जो तफसीलात हैं, उसके लिए आप अल्फाज और तराकीब बना सकते हैं। वज़ह सलाहत पे चूँकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम हो रहा था, उनका जो तरीका अमल था बड़ा दिलचस्प था कि इनके यहाँ दारुतजमा उस्मानिया में जितने भी वज़ह सलाहत से मुतालिक लोग थे इनके यहाँ बड़ी लंबी लंबी तवील गुफ्तगू और बहसें हुआ करती थी, जिसके नतीजे में दो स्कूल ऑफ थाट हमें मिलते हैं, दो मकतबा फ़िक्र जो है ना इनका बड़ा ज़िक्र किया जाता है दारुतजमा उस्मानिया में वज़ह सलाहत के सिलसिले में जो मजालिस होती हैं उनमें। एक को अली हैदर नज़म तबतबाई के नाम से जाना जाता है और दूसरे वहीदुद्दीन सलीम के नाम से मारूफ है। यही जो वहीदुद्दीन सलीम है इनके काम की बाज़गश्त आपको बाद वाले जो जो अंजुमनें कायम हुई 20वीं सदी में कायम हुई, बाद में और भी ज़्यादा, और यहाँ पाकिस्तान में भी जो जैसे मुख्तदर कौमी ज़ुबान है और दीगर इदारे हैं, वफाकी साइंस बोर्ड था उसमें और अंजुमन तरक्की उर्दू कराची उसका था, तो इसमें इनके काम का रेफरेंस हवाला बहुत ज़्यादा दिया जाता था। बहरहाल ये दो जो है ना, यानी कह लें कि आप मकतबा फ़िक्र उसमें दोनों ही इकट्ठे ही काम कर रहे थे दारुतजमा उस्मानिया में। वहीदुद्दीन सलीम जो थे वो हिंदी और अरबी को इस्तलाह साजी की बुनियाद बनाने को ज़्यादा दुरुस्त ख्याल करते थे, जबकि अली हैदर नज़म तबतबाई जो है वो हिंदी फारसी और अरबी को बुनियाद बनाना चाहते थे, और उसमें भी उनका ज़ोर अरबी तरकीब अरबी अल्फाज अरबी इस्तलाहात पर था। दारुतजमा में जो काम किया गया उसमें तबाही का जो मकतब फ़िक्र है वो ज़्यादा गालिब रहा, यानी उसकी ज़ेर असर ज़्यादा इस्तलाहात बनाई गई। यहाँ चंद एक मिसालें हम ले सकते हैं, जैसे आप देखिए कि अंग्रेज़ी लफ्ज़ फोकस है तो उसकी जो इस्तलाह वहाँ मंजूर हुई वो मास्का थी, जो कि ज़ाहिर है कि गैर मानूस अरबी लफ्ज़ पर की बुनियाद पर बनाई गई, जबकि मुमकिन अल्फाज आसान अल्फाज हो सकते थे जो थे ही अरबी में हों या हिंदी और अरबी और हिंदी फारसी के मिलाप के साथ हों, मसलन तवज्जो, इसी तरह एक्सपोजर के लिए जो इस्तलाह इस्तेमाल की गई तकशुफ, जबकि उसको एक आसान भी किया जा सकता था सर्दी लगना, यानी सर्दी इसम है तो लगना का मसदर के साथ लगा करके उसको किया जा सकता था। इस तरह स्पिरिट को रूह शराब और इसके लिए हौसला और हिम्मत के अल्फाज भी हो सकते थे। ये मुख्तसर से मुआजना में ये बताता है कि जो
तबाही की जो सोच थी वो काफ़ी गालिब रही इस्तिलाह साजी में, जिसमें अरबी ज़ुबान को फोकियत दी गई। अरबी ज़्यादा इस्तिलाहात के साथ साथ, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि तमाम इस्तिलाहात जो है ना वो इस तरह थे, लेकिन अरबी ज़्यादा इस्तिलाहात के साथ साथ एक लचकदार रवैया, क्योंकि वहाँ पर वाहिदुद्दीन सलीम भी थे, तो वो रवैया भी हमें खाल खाल हिंदी के इस्तेमाल की वजह से हमें पास आसान इस्तिलाहात भी मिल जाती हैं जो ऐसे लगता है कि उर्दू ज़ुबान में रच बस भी गई हैं। जैसे डायबिटीज़ है, ज़ियाबिटिस है, और एग्जामिनेशन ऑफ हियरिंग को समात का इम्तहान है, यानी एक उर्दू के कह लें उर्दू फ्रेंडली जो इस्तिलाहात हैं वो भी पाई जाती थी वहाँ पर। अगरचे तादाद के अतबार से वो कम थी, पाउडर सफूफ और इस तरह कॉपर सल्फेट रंग के अतबार से इसका तर्जमा नीला थोथा किया गया। तो अब इस कंक्लूड करते हैं इस सारी नुमाया काम को, तो हमें पता चलता है कि इंतहाई मुख्तसर अरसे में 31 साल सिर्फ के अरसे में दर तर्जमा उस्मानिया, जो कि जामिया उस्मानिया की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए या वहाँ के जितने भी तालीमी मराहिल हैं उनको पूरे करने के लिए काम कर रहा था, उसने कितनी बड़ी खिदमात सर अंजाम दी। एक तो है जो खिदमात हमारे सामने आ गई, एक ये कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोग पैदा कर दिए थे इस तजर्बे की रोशनी में, जिन्होंने बाद में जिनके ख्यालात से दीगर अंजमनों ने और दीगर इदारों ने तर्जमे के हवाले से बहुत इस्तेफादा किया। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम।